नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। देश में 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि देश के सबसे अहम राजनीतिक घटनाक्रम को वो परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव केवल इन 5 राज्यों के ही नहीं बल्कि देश की सियासत को तय करेंगे, उसकी दशा दिशा को तय करने वाले हैं। अब ऐसे में इन 5 राज्यों में अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो पाएंगे कि बंगाल के चुनाव तो अपने आप में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं, और वजह भी साफ है। वहां पर एक ऐसी चुनौती बनकर ममता बनर्जी उभरी हैं जो कि अश्वमेध यज्ञ जीत का, भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा है वहां पहुंच चुका है, और उस चुनौती को क्या वो पार कर पाता है, देखना यह है। अब ऐसे में जबकि मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैनेजमेंट पर भी लड़े जा रहे हैं, News24 ने विशेष इलेक्शन कवरेज, इलेक्शन कॉन्क्लेव निर्धारित किया है जो आपको हर राज्य में ले जाएगा और वहां की उन मुद्दों से भी परिचय कराएगा जो कि लोगों के खास मुद्दे हैं, और उनसे भी जो सियासत के मुद्दे हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तर बंगाल, उत्तर बंगाल अलीपुरद्वार सीट, और वहां से जो सांसद हैं जॉन बारला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जॉन बारला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते नमस्ते। बारला साहब, आपसे बात कर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो कहीं ना कहीं विकास के दौर में थोड़ा पीछे रह गया। आप खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं, और टी गार्डन वर्कर के रूप में आपके ओरिजिन है, और ये पूरी यात्रा जो है वो परिभाषित करती है कि कैसे एक जमीन पे काम करने वाला व्यक्ति देश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठा है और आज भारतीय जनता पार्टी के उस प्लेटफॉर्म के साथ खड़ा है। आपको लगता है कि ये जो तरीका भारतीय जनता पार्टी का उत्तरी बंगाल में रहा है, इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूती देने वाला है? देखिए, मैं तो इलेक्शन कमिश्नर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये 8 चरण और राज्य में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रही है, और राज्य में 2-3 चरण में खत्म हो रही है, और हमारे पश्चिम बंगाल में 8 चरण। मैं इलेक्शन कमिश्नर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसीलिए, क्योंकि कम से कम हम लोग शांतिपूर्वक केंद्रीय वाहिनी के द्वारा हम लोग वोट दे पाएंगे। इससे पहले 2011 में बोलिए, चाहे 2016 में बोलिए, पंचायत इलेक्शन 13 में बोलिए, 2017-18 में बोलिए, और 2019 में जिस प्रकार से संतराश हुए है, बहुत लोग वोटर सब वोट नहीं दे पाए, कितना मर्डर हो गया है, ये देखते हुए भी आज हमारे इलेक्शन, भारत के इलेक्शन कमिश्नर ने यह निर्णय लिया है कि 8 चरण में होना चाहिए। लेकिन ये चुनाव का एक पक्ष रहा है बंगाल में, इस बात को देखा सुना गया है, और जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई वहाँ, और वहाँ की चुनावी प्रक्रिया ज़रा अलग है दूसरे राज्यों से। हिंसा अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बंगाल में, मारपीट, ये खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं, और चुनाव आयोग ने तो अभी शंखनाद किया है, चुनावी बिगुल बजाई है, लेकिन वहाँ तो ऐसा लग रहा है महीनों से चुनाव की तैयारी चल रही थी। लेकिन आपका जो क्षेत्र है, आप जिस इलाके में काम करते हैं और जहाँ से उठकर के आप जहाँ दिल्ली तक पहुँचे हैं, इस इलाके में ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की जो आपकी यात्रा रही, आप कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी थे, उसके बाद आदिवासी परिषद में भी थे आप, और वहाँ से फिर आप आए, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कोर वर्कर के रूप में आपने चुनाव जीता, यहाँ पहुँचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत से नए लोगों को ले रही है, और आज हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वही लोग है बारला साहब जो कभी तृणमूल कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, जिनके साथ आप संघर्ष किया करते थे, शुभेंदु अधिकारी की हम बात करें जो सबसे प्रमुख चेहरा है, तो ऐसे में क्या बाहर से लाए गए योद्धाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने काम कर रहे थे, जो भी आज नेतृत्व वापस तृणमूल छोड़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाप रहे हैं, मोदी जी को मजबूत करने के लिए आए, देखिए जिस प्रकार से ममता सरकार चला रही है, एक मतलब वन मैन डिसीजन, हिटलर की तरह चला रही है। जो भी एमएलए आप कभी देखे हैं स्टेज में, दूसरा एमएलए स्पीच, केवल उनका स्पीच छोड़ के दूसरा का स्पीच कहीं पर नहीं है, कहीं पर भी कोई भी डिसीजन अकेले लेती है, किसी से सलाह मशवरा नहीं करती है, इसीलिए लोग, अरे भाई जब एमएलए बना है
मंत्री बना है, एमपी बना है, तो उनको तो अपना हक बनता है कि अपना क्षेत्र के लिए कुछ काम करे। देखिए, वर्कर्स की बात आप लगातार उठाते आए हैं और शायद आपके क्षेत्र में वर्कर्स का जो मुद्दा है, चाहे वो भाषाई मुद्दा हो, चाहे टी गार्डन्स के बंद होने का मुद्दा हो, ये छाया रहेगा। पर पूरे बंगाल में जो मुद्दे हैं उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी तो एक चेहरा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, तो क्या मिथुन चक्रवर्ती जो आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सीएम के चेहरे हैं? बारला साहब, हेलो। हाँ हेलो बारला साहब, ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी आज यूपी में जब इलेक्शन हुआ, क्या हमें वहां पर सीएम का कैंडिडेट घोषणा किए थे? नहीं किए थे। हमें देश के लिए और राष्ट्र के लिए हमें इस बार वोट दे रहे हैं। कब कौन सीएम होगा नहीं होगा, आने वाला दिन हमारा प्रधानमंत्री है जी अमित शाह जी है, वो आने वाला दिन तय करेंगे। ये चेहरा दिखा के ये देश के लिए और शांति से ये मुक्ति पाने के लिए जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में संतरास हो रही है, हमारा कार्यकर्ता 130 लोग मारा गया, इस चीज से हम लोग मुक्ति पाने के लिए इस बार वोट हो रही है। सीएम कौन होगा नहीं होगा, आने वाला दिन कोई ना कोई होगा। जिस पर यूपी में हो गया, सीएम आज के दिन में किस प्रकार से चला रहा है, ऐसे बात में है कि हमारा भूमि पुत्र ही होगा आने वाला दिन, लेकिन हम लोग इसको आने वाला दिन हम तय करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाला साहब। और देखिए, 27 तारीख को पहला मत गिरेगा और गिनती के दिन रह गए हैं। अब एक कन्फ्यूजन है ये, और वो कन्फ्यूजन यही कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, वो यूपी मॉडल चलेगा या महाराष्ट्र मॉडल चलेगा, कौन सा मॉडल वहाँ चलेगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक पक्ष है जो कि अभी भी उत्तर की तलाश कर रहा है। हम लगातार इस प्रश्न को भी उठाएंगे और दूसरे प्रश्न भी, क्योंकि ये कॉन्क्लेव जो इलेक्शन कॉन्क्लेव है हमारा बंगाल चुनाव पर विशेष, ये जारी रहने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।